पहली बात तो मेरा कोई हाथ नहीं है शो के पीछे, मैं सिर्फ एक आवाज़ हूँ और मैं कमांड फॉलो करता हूँ, जो मुझे मिलती है, जो मुझे लिख के दिया जाता है मैं बोल देता हूँ। ऑफकोर्स एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहता है, हर साल बहुत अच्छा रहता है। इतने बड़े शो के साथ जुड़े होना वो अपने आप में कमाल की बात है, और इतने साल से 12 साल हो गए, फिर बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा है, कमाल का एक्सपोजर रहा है। एक ही वर्ड है जिसमें सम अप कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, यही 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 शब्द निकलते हैं। एंड बिग बॉस की हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो आपको कौन ऐसा लगता है कि जो सबसे अच्छा खिलाड़ी था बिग बॉस की हिस्ट्री में, एक ऐसा प्लेयर? देखिए इवेंचुअली अंत में व्हाट मैटर्स इज कि लोग शो को कितना पसंद करते हैं, तो और दूसरा क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं शो में, तो हमारा न्यूट्रल रहना, न्यूट्रल सोच रखना बहुत जरूरी है। तो ये कहना कि कौन एक कोई जिस पर पिन पॉइंट करना वो थोड़ा सा नाइंसाफी होगी बाकियों के लिए, लेकिन एज एन ऑडियंस जब मैं देखता था तो सीजन 1, 2, 3 मैंने एज एन ऑडियंस देखा, मैं तब शो से जुड़ा हुआ नहीं था। और राजा चौधरी और राजू श्रीवास्तव दो ऐसे कंटेस्टेंट थे जो मुझे शायद मैं नहीं भूल, तो ये दो कंटेस्टेंट मेरे ऑल टाइम फेवरेट। एंड इस ईयर की कंटेस्टेंट की बात करूँ तो तेजस्वी एंड करण काफ़ी चर्चा हुई, अब तक चर्चा चल रही है, तो आपने काफ़ी क्लोजली वो जोड़ी को देखा, आप क्या कुछ कहना चाहोगे तेजस्वी और करण के बारे में? आई विश देम ऑल द बेस्ट, देयर आर सर्टेन बॉन्ड्स जो फॉर्म होते हैं शो में, उम्मीद है कि वो आगे जाएं और उनको अच्छा काम मिले। एंड हाउ यू आर मिसिंग बिग बॉस नाउ? लाइफ गोज ऑन, द शो मस्ट गो ऑन, अब दूसरे शोज चल रहे हैं, इंडिया इज गॉट टैलेंट है, सारेगामापा है, उसमें आवाज़ दे रहा हूँ, और बाकी कोशिश जारी है वेब सीरीज और फिल्म्स के उसमें। एंड आफ्टर फ्यू डेज देयर इज वन मोर रियलिटी शो लॉकअप इज कमिंग अप एंड व्हिच इज कंगना मैम इज होस्ट। जी जी, सो हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर दिस शो टू वॉच इट? इट्स बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय एंडेमोर, या सो आई विश द टीम ऑल द बेस्ट, विश एवरीवन एसोसिएटेड ऑल द बेस्ट।